नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। और हम है भैसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग पर बने एक यात्री प्रतीक्षालय पर। यात्री प्रतीक्षालय पर एक शख्स हमें मिले हैं जो बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए हैं। बीजेपी का प्रचार करने भानपुरा से भैसोदा आए थे और प्रचार करने के बाद अब वापस जो है अपने निज निवास भानपुरा लौट रहे हैं। भानपुरा के रहवासी है और किस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सबसे पहले? कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी कहाँ से आ रहे हो? भानपुरा से आ रहे हैं। हम अभी तो मंडी से आ रहे हैं। मंडी से आ रहे हो? मंडी हो गया हमारा, हम वापस भानपुरा लौट रहे। तो भानपुरा वापस जा रहे हो और भवानी मंडी आए थे, भैसोदा मंडी आए थे, किस लिए? ऐसे ही दिवाली देखने घूमने, मंडी भानपुर घूमना पड़ता है ना। हाथ में आपका बीजेपी का झंडा है? हाँ, तो हमारा कोई चांस नहीं, हमारा बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है मतलब बीजेपी इस बार सरकार बना रही है? हाँ, बनाई सरकार, बनाई हुई की किसने कहा नहीं बनाई, बनाई सरकार। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि यात्री प्रतीक्षालय में आप इंतजार कर रहे हो, कहाँ जाना है आपको अभी? अभी तो मुझे भानपुरा जाना है। पर तो भानपुरा जाना है, हाथ में आपके झंडा है बीजेपी का, आप भैसोदा मंडी आए थे, चुनाव प्रचार के लिए आए थे। मैं तो घर पे लगूंगा। नहीं नहीं, अच्छी बात है, घर पे लगाना चाहिए, पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे आप बीजेपी से? वो है ना जो आए थे ना, कौन वो? अपने सिंह वाले। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, आपका शुभ नाम फिर से दोहराइए। कन्हैयालाल जी मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आप यात्री प्रतीक्षालय पे इंतजार कर रहे हो, अच्छी बात है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, उसमें कोई दोराई नहीं है। मैं आपसे आपके दिल की बात, मन की बात पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर प्रचार किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है? मध्य प्रदेश में आपके अभी मोदी जी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश? मुख्यमंत्री वो शिवराज चौहान ही बने हुए, वही आ सकते हैं। वो आ सकते हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ, वो हमारे वही है बीजेपी। क्यों, आपको क्यों लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए? उन्हें बनाएंगे और हमारे नाम से कुछ ऐसे काम गिनाइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। हमारे काम तो किया उन्होंने, पर अब क्या किया? जो अब की बार जीतेंगे ना, तब वो काम करेंगे, तब मालूम पड़ेगा। हमारे को मकान मिला लेने के लिए, मकान नहीं दिया था, हमारे में गरीबी फोड़े थे, बहुत मजबूरी दिखी हमने भी पहले यार। तो हम तुम्हें चाहते थे, फिर हमारा मकान क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, कौन सी सरकार, ये कहना चाहते हम। हमें भी तो मकान, आपने कहा कि मकान मिला है, क्या आपको मकान मिला है? अभी तो तक तो मकान ही आया मेरे पास, कोई सवाल सबूत नहीं आए। आपने कहा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बननी चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी पहले भी इस कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार थी, मकान अभी तक नहीं बना। आपने कहा मकान बने हैं, लेकिन आपका नहीं बना। हमारे निजी मेहनत मजदूरी करके हमारा मकान बना है, दिन निकाल रहे हम। लेकिन आपको पीएम आवास का कोई लाभ नहीं मिला? कोई नहीं मिला। आपने आवेदन किया था? आवेदन क्या करो, अब नहीं, शुरू बार करेंगे हम। देखो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, शुरू बार करेंगे। हाँ, शुरू बार करेंगे। जो सरकार जनता की हम देंगे नहीं, तो अब की देंगे। इस बार मालूम पड़ेगा, चुनाव के बाद मालूम पड़ेगी, वोट पड़ने के बाद में, उसके बाद में कोई मालूम पड़ेगा, ये बात है सर। भानपुरा गरोट विधानसभा में भाजपा से विधायक प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया है और सुभाष सजीतिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो है, क्या लगता है आपको कि कौन सा प्रत्याशी जीतना चाहिए? हमें अभी जनता जी नहीं, जनता तो चुनती है, तो प्रत्याशी कौन जीतेगा, बीजेपी से चंद्र सिंह जी या कांग्रेस से चंद्र सिंह सुभाष सजीतिया? मुझे यार चंद्र सिंह जी लग रहे हैं, चंद्र सिंह जी लग रहे हैं मुझे, ज्यादा चुनाव उनका हो रहा अभी, चंद्र सिंह जी लग रहे हैं। बीजेपी में, बीजेपी का झंडा आपके हाथ में है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आप लग रहे हैं आपके हाव भाव से, क्योंकि झंडा आप खोल के बताइए जरा, झंडा आपका। कन्हैयालाल जी कब यहाँ पर पहुंचे आप? सुबह सवेरे में 8 बजे पहुंच गए थे। 8 बजे बस में आए हैं? नहीं, गाड़ी से आए मेरे से। आपकी पर्सनल गाड़ी से? नहीं, ऐसे नहीं, पहले आया था मैं बस के लिए, पर बस तो मिला नहीं, किसी के साथ भी बैठ के आ गया। आप लिफ्ट लेकर भैसोदा मंडी पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि अभी तक आपने का मतलब कि जो है यहाँ का माहौल भी देखा होगा, आज यहाँ पर भैसोदा मंडी में जो है चंद्र सिंह सिसोदिया भी जो है उनकी एक आम सभा है यहाँ पर, वो पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे बीजेपी के इस कार्यकाल में। बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी शासन के मध्य प्रदेश के अंदर 5 ऐसे काम जो आपको अच्छे लगे हैं और आप फिर से बीजेपी सरकार चाहते हैं? यही सरकार है अभी जनता वाली, ये आएगी और इसमें हमारा काम चलेगा। नहीं, 5 ऐसे काम जो अच्छे किए हैं सरकार, ये जीतने के बाद में हमारा तिरंगा सुरक्षित आएगा। क्या आएगा? तिरंगा सुरक्षित आएगा बीजेपी चलने के बाद में। हाँ, फिर ये सरकार हमें देंगी काम, विकास के काम 5 ऐसे जो बीजेपी ने अभी तक किए हैं इस 5 सालों में,
जिसको आधार बना करके आप उसे वोट डालेंगे बीजेपी। हाँ ये वोट में डालूंगा पर मेरे आधार अब आएंगे। नहीं नहीं पांच जैसे कर रहे पांच जैसे मैं तो बोले नहीं। खैर बहरहाल बीजेपी सरकार जो है बनाने की उम्मीद रखते हैं। कन्हैया लाल जी हमें मिले हैं हमारे ऑफिस के बाहर का यह दृश्य हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो भानपुरा मुख्य मार्ग है, कन्हैया लाल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये मुख्य मार्ग है अभी तक नहीं बन पाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार होगी तो हम सरकार आपकी थी, सरकार हमारी थी, क्यों नहीं बन पाया? बनेगी अब बनेगी, वो जब पांच सालों में नहीं बन पाया तो अब आपको उम्मीद है क्यों नहीं? पांच सालों में आप तो बनेगा, अच्छी बात है बनना चाहिए, लेकिन पांच सालों में क्यों नहीं बनेगी? बनेगा और भी बनेगा, हमें लग रहा है कि बनेगी बनेगी आपकी सर क्यों नहीं बन पाई है जी? पांच साल में नहीं बनी तो अब क्या बनेगी? मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए मध्य प्रदेश? मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए अपना काम करे ऐसा। ये सी बात है। शिवराज सिंह चौहान भाजपा से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से जो है कमलनाथ हैं, किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? कमलनाथ को देखेंगे। क्यों देखेंगे? कमलनाथ काम कर रहे हैं। क्या काम करवाए? बहुत काम कर रहे हैं। एक काम बताइए। बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों को बहुत साथ दिया कमलनाथ ने। क्या साथ दिया गरीबों का? गरीबों को बहुत साथ दिया, कोई को क्या करना कोई को करना कर रही है उनसे बना। वो बीजेपी ने क्या करा? हमारे यहाँ गड्ढा हो रहे, कुछ काम नहीं करेंगे तुम्हारे करा, वोट लेने की टाइम पर तो आ जाते, गांव देखे जाए कुछ भी काम नहीं करा हुआ, पूरा गांव गड्ढे में पड़ा। आप कह रहे हैं काम क्या गड्ढे हो रहे हैं? हाँ जो हो जाएंगे अभी टाइम पड़ा है, आप नहीं आके देखो गांव को। आप कहाँ के रहने वाले? पांगा खेड़ा। नाम बताइए आप। रामलाल जी मेघवाल। रामलाल जी आपके यहाँ से विधायक प्रत्याशी के रूप में किसको जिताना चाहेंगे? वो अभी तो मैं बाहर सारा गांव में लेंगे, उनके बाद प्रताप पास करेंगे, कोई इसको जिताएगी तो मैं जोधपुर से आ रहा हूँ। ऐसा आपकी विधानसभा का ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि जो भी विधायक बने वो पूरा कराना चाहिए? मेरे तो यही कहना है कि अपने वोट देने के लिए तैयार, गांव का विकास तो होना चाहिए ना, कोई गड्ढा है कीचड़ है तो वो तो सही होना चाहिए ना। गांव की सड़कों में गड्ढे कीचड़ नालियों में और भैसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग जो सड़क गड्ढों से भरी है, बहरहाल इसका टेंडर हो चुका है, सड़क बनने की कगार पर है, लेकिन पांच साल खत्म होने को है और फिर से जनता जो है अपना उम्मीदवार चुनेगी। यहां पर गरोड़ विधानसभा से कांग्रेस से सुभाष कुमार सजोतिया और उनके सामने बीजेपी भाजपा से है चंद्र सिंह सिसोदिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 17 नवंबर के बाद जो है कौन मध्य प्रदेश की गरोड़ विधानसभा में अपनी रणभेरी बजा पाता है। मैं कपिल चौहान, ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर।